साहिल बेटा तुमने क्यों तकलीफ की? अपने लिए बना रहा था, सोचा आप दोनों के लिए भी बना दूं। थैंक यू, बढ़िया है ना। इस जमाने में कहां मिलते हैं इतने नेक दामाद। छोटे छोटे काट रहे हो ना? हाँ हाँ पता है मुझे, तुमसे अच्छे काटता हूँ मैं। तो फिर प्याज भी काट देना। ये लो, हो गया तुम्हारा ड्रेस प्लेस। थैंक्स साहिल, सॉरी आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। देखिए ना कितना ख्याल रखता है अपनी हिना का। हाँ, सब लिया। अरे आजीद है, शाम तक रुक जाते। अरे बेटा वहाँ पर भी बहुत सारे काम हैं, फिर आएंगे ना? बिल्कुल जी, अच्छा ठीक है। अरे अम्मी, कॉल कर देती मैं स्टेशन आ जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अबू, आइए आइए। चलिए आप लोग बैठिए, मैं आता हूं। कपड़े कैसे मैले हो गए तेरे? वो अम्मी अरफा की मदद कर रहा था किचन में। हमारी मदद तो की नहीं कभी तूने। अम्मी ईद है, दावत पे लोग आएंगे घर, तो मैंने सोचा मैं उसकी मदद। मैंने सोचा यही सिखाया हमने तुझे। अम्मी आप यूसुफ, तुम एक काम करो बेटा, अपनी अम्मी को ना उनके दामाद के यहाँ ही छोड़ा। क्यों? दूसरे का बेटा जब आपकी बेटी की मदद करे तो नेक, और जब आपका बेटा किसी दूसरे की बेटी की मदद करे तो वो जोरू का गुलाम। अच्छा कपड़े बदल ले, मैले हो गए। बेगम ये मैल तो धुल जाएगा, मगर आपके मन का मैल तो धुल गया ना, वो जरूरी था। मैं बहू का हाथ बटाती हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। रिश्तों को मापने के दो पैमाने नहीं हो सकते, अपनी नजरों से फर्क का पर्दा उतार डालो, इसी सारे मैल धो डालो। घड़ी डिटर्जेंट की एक गुजारिश।